हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड सोप, जो कि स्किन टोन को इवन करेगा, अगर डार्क स्पॉट्स है उसको फेड अवे करेगा, ये स्क्रब की तरह भी काम करेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी प्रकार का साबुन बनाने के लिए सोप बेस की आवश्यकता होती है, इसीलिए एज अ बेस मैं डार्क को यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पैड्स है आप इसे यूज़ करें, और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लिसरीन सोप है तो डेफिनेटली आप उसे फर्स्ट चूज करें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं डव चूज करी हूँ, बट डव मेरे स्किन को ड्राई आउट नहीं करती है। फर्स्ट जो भी सोप आपने चूज किया है उसे ग्रेट कर ले। सोप को मेल्ट करने के लिए आपको डबल बॉयलर मेथड को फॉलो करना है, आप चाहे तो माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। जब तक ये मेल्ट होने का काम हो रहा है, आपको लेना है बोल और इसमें ऐड करना है ऑरेंज पील पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, रोस्टेड टर्मरिक पाउडर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा कैसे रोस्टेड टर्मरिक पाउडर बनाते हैं, आई बटन में मैं दे दूंगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है मिक्सचर। जब सोप मेल्ट हो जाएंगे इसको मिला देना है मेल्टेड सोप में। सोप मेल्ट हो गया है, अब इस मिक्सचर को इसमें ऐड कर देना है। अगर आप किसी भी एसेंशियल ऑयल को इस्तेमाल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किन इशू तो ज़रूर यूज़ करें। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अगर आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है उसमें डाल दें, अगर नहीं है मेरी तरह तो कोई सा भी बोल ले लेना है। फर्स्ट चाहे तो कोकोनट ऑयल और पेट्रोलियम जेली से ग्रीस कर ले ताकि ये आसानी से बाहर आ जाए। दिन आप चाहे तो इसे रूम टेम्परेचर और रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं सेट होने के लिए। इसको मैं 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था तो ये जम गया है। इस सोप में जो जो इंग्रेडिएंट्स हमने यूज करी हैं उन सभी में स्किन लाइटनिंग एजेंट है जो कि स्किन टोन को लाइटन एंड ब्राइटन करता है। ऑरेंज पील और रोस्टेड टर्मरिक दानादार होने के कारण ये डेड स्किन सेल्स को आसानी से रिमूव करता है। ये सारे चीज हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे कॉमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे गुड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share, subscribe to my channel.